हाय गाइस, मैं हूं सूरज साहू और आप देख रहे हैं SH हिंदी ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं अपने खेत पर आए हैं और यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं ओंदा। जिसको नहीं पता है कि ओंदा क्या होता है तो आइए हम दिखाते हैं ओंदा क्या होता है। ओंदे जैसे ये होता है सगले को, ये हो गए रतालू, हो गए आलू, हो गए अंगीठा, हो गए, जिसको नहीं पता ये सब क्या होते हैं तो ये रखे हैं, हम आपको बताते हैं और आगे वीडियो देखते रहिए, आपको मज़ा आएगा कि ओंदा कैसे लगता है। जैसे वो होता है ना बजरी में रेते में सेकते हैं आलू मालू, वैसे ही होता है पर इसमें थोड़ा अलग होता है। आप लोग देखें और एंजॉय करें वीडियो को। जैसे कि गाइस आपको बताया था कि इसमें हमें क्या क्या करना है, ये रही हांडी, इसमें हांडी में हमें ये सब भरने हैं और इनको लगाएंगे आगे। आप देखते जाइए कैसे कैसे मैं करता हूँ, आप लोग देखते रहिए, मैं इनको इसमें डालता रहूँगा और बताता रहूँगा आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। इसको इसमें डाल देते हैं हम लोग। जैसा कि आपने लोगों ने देखा कि इसमें हांडी भर के तैयार हो गई, ये रही हमारी हांडी और ये हमारी हो गई है तैयार। अब इसको हम पानी मानी इसमें कुछ नहीं डालना है, इसको बस ऐसे ही इसको ओंधा के इसमें पत्ते लगाएंगे ऊपर से के इस घड़े के मुंह पर, और इसको उल्टा रख के इसमें आग लगा दी जाएगी ऊपर से, ये डाल के ये सब डाल के, ये रखा है चारा मारा डाल के इसमें आग लगा दी जाएगी। आगे देखते रहिए वीडियो और आपको पता लगता रहेगा कि इसको कैसे कैसे करते हैं, आप भी बना के देखना, बड़ा स्वादिष्ट बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे।